जय जगन्नाथ। मैं कार्तिक आप सबको वेलकम करता हूँ मेरे केंट चैनल को। तो आज आज मैं जो टॉपिक को लेकर आया हूँ, ये टॉपिक आपका लाइफ को सुधाराएगा, आपका लाइफ को सुधार देगा, या आपका लाइफ में जो सक्सेस होते हैं सक्सेस तक पहुँचा देगा। तो वो टॉपिक का नाम क्या है? माइंड प्रोग्रामिंग। तो माइंड प्रोग्रामिंग ऐसे एक वर्ड है, अगर आप इसको सही तरह समझ जाएंगे सक्सेस बहुत जल्दी हो जाएगा। जो बड़ा बड़ा सक्सेसिव मैन है, जो स्टार बने हैं, आप अभिनव बिंद्रा को किससे भी, सचिन तेंदुलकर तक जाइए, वो सब माइंड प्रोग्रामिंग करके सक्सेस तक पहुंचे हैं। तो माइंड के दो प्रकार माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। आप बोले होंगे कि नहीं माइंड तो एक ही है। नहीं, दो प्रकार माइंड होते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप बाइक चला रहे हो या खाना पका रहे हो, तो कुछ भी कर रहे हो उसी समय आपका टेलीफोन आ गया, आपका फोन उठा के आप बात करते हैं। तो बाइक चलाने वाले जो बाइक फोन में बात करते हैं, और यहाँ पे कहाँ पे हॉर्न से आ गया तो ब्रेक लगाना, कहाँ पे हॉर्न बजाना, तो इस सब को देख के कहाँ से लोग आ गया, गाड़ी आ रहा है उसको ठीक से बाइक चलाना, ये दो काम एक साथ करते हैं। तो दो काम एक साथ करते हैं मतलब दोनों के साइड बात, दो काम पे तो आपका माइंड लगा हुआ है। तो जो बात कर रहे हैं किसी के साथ, उनका वो जो पूछते हैं आप उनको आंसर देते हैं, वो है कॉन्शियस माइंड, जो ऑटोमेटिक हो जाता है, ऑटोमेटिक जो चले जाता है, जो ऑटोमेटिक हाथ ब्रेक के ऊपर चला जाता है, ऑटोमेटिक हॉर्न तक चला जाता है, ये है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड माइंड से, जो कॉन्शियस माइंड से ज्यादा बेहतर है, ज्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड को आपको सबकॉन्शियस माइंड को आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड कैसे बनेगा? अगर कुछ भी प्रोग्रामिंग, कुछ भी आपका काम हैबिट्स तक चले जाएगा, जब तक हैबिट हो जाएगा, ये जो बाइक चलाने के समय ऑटोमेटिक ये जाता है, क्या हैबिट हो चुका है। खाना पकाने के समय कहाँ पे नमक डालना, कहाँ पे लग जाएगा, क्या जब काम करते हैं, ये ऑटोमेटिक बन जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। क्यों? ये हैबिट बन चुका है। तो हैबिट इज ऑल्सो बी सबकॉन्शियस माइंड, आपको ध्यान देना चाहिए। कुछ भी प्रोग्रामिंग करेंगे, सपोज आप सक्सेस चाहते हो, आप प्लैटिनम जाना चाहते हो, डायमंड जाना चाहते हो, एमरल्ड जाना चाहते हो, जो चाहते हो, तो क्या करना है, इसको माइंड को पहले प्रोग्रामिंग को डाल देना चाहिए। हो जाने से आपका क्या हो जाएगा? आपका स्पोकन वर्ड ऐसे हो जाता है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव बन जाता है, आपका कॉन्फिडेंस मोर हो जाता है। इसलिए और एक तीन वर्ड को मैं बोल रहा हूँ, एक का विजुअलाइज, हर्बलाइज एंड वाइटलाइज। विजुअलाइज क्या है? आप खुद विजुअलाइज कीजिए कि मैं प्लैटिनम बन रहा हूँ, या मैं सिल्वर बन रहा हूँ, या मैं डायमंड बन रहा हूँ, मैं सिल्वर बन गया या प्लैटिनम बन गया, मेरा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर रहा है, मैं स्टेज तक जा रहा हूँ, स्टेज में आके मुझे वेलकम करते हैं, मुझे मतलब रिकॉग्नाइज करते हैं, ग्रांड सेलिब्रेशन हो रहा है, बहुत सारे लोग ताली लगा रहे हैं, इसको ऐसे विजुअलाइज कीजिए। मैं फॉरेन टूर जा रहा हूँ, मुझे वीसा मिल गया है, हम बहुत सारे प्लेन में हम जा रहे हैं, एक बड़ा सा होटल है, कितना साज सजा हुआ है, इतना बड़ा होटल, इतना बड़ा रिकॉग्निशन, ये सब विजुअलाइज कीजिए। विजुअलाइज जब आपका स्ट्रांग हो जाएगा, तब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा हो जाएगा। देन क्या करना है? देन वर्बलाइज स्टार्ट कीजिए। वर्बलाइज मतलब स्पोकन वर्ड, बोलना शुरू कर दीजिए। मैं यहाँ इस महीने मैं प्लैटिनम जा रहा हूँ या सिल्वर जा रहा हूँ, वर्बलाइज स्टार्ट कीजिए, बोलना शुरू कर दीजिए। आपका स्पाउस को बोलिए, आपका पापा को बोलिए, मम्मी को बोलिए, दोस्त को बोलिए, टीम में बोलिए, टीममेट को बोलिए, मीटिंग में ऐलान कीजिए। तो वर्बलाइज करना शुरू कर दीजिए, बहुत बड़ा पार्ट होता है माइंड प्रोग्राम में। माइंड प्रोग्राम में अगर आपको लग रहा है तो मैं जा पाऊँ या नहीं जा पाऊँ, कैसे मैं वर्बलाइज करूँ, नहीं, वर्बलाइज कीजिए पहले। पहले वर्बलाइज करने के बाद आपका ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हो जाएगा। देन वाइटलाइज कीजिए। पहला क्या हुआ है? विजुअलाइज मतलब आप देखें खुद को उस पोजिशन को जाके। देन वर्बलाइज बोलना शुरू कर दीजिए। देन क्या है? वाइटलाइज, इसको ध्यान दीजिए। इनको ध्यान दे के क्या करना है आप, मतलब इसी हिसाब से गोल सेटिंग कीजिए, इसी हिसाब से ऑफलाइन के साथ बैठिए, इसी हिसाब से आपको प्लानिंग बनाइए, और प्लानिंग बना के इसी हिसाब से काम कीजिए। मैं 100% दावा दे के बोलता हूँ, बहुत सारे किताब से मैं पढ़ के समझ चुका हूँ,
तो बहुत सारे सेलिब्रिटी जो होते हैं सक्सेसिव मैन, उनके साथ मैं मिल चुका हूँ, ये एक ही बात बोलते हैं, सारे आदमी ये बोलते हैं कि हम सक्सेस हुए हैं वही तीन चीज को लेके, जो विजुअलाइज, वर्बलाइज एंड वाइटलाइज। तो इस माइंड के अंदर आप प्रोग्रामिंग कर दीजिए, जिसे आपका कोई बड़ा काम करने से पहले आपका माइंड को प्रोग्रामिंग कर लेते हैं और इसी हिसाब से आप प्लानिंग बनाते हैं और काम करते हैं, इसे इसको पहले बना लीजिए, सक्सेस 100% हो जाएंगे, मैं दावा देके बोल रहा हूँ। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है, फिर मैं और एक वीडियो लेके आ गया हूँगा। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, इनके बारे में और अच्छा जानने के लिए आपको ज़रूरत हो रहा है, तो आप कृपया करके ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी ये वीडियो आपके सामने लाऊंगा तो ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, बाय, हैव ए गुड डे।